निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर कोर्ट का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। भोपाल जिला अदालत ने इस मामले में ईओडब्ल्यूयू से 11 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अपूर्वा ताम्रकार की अदालत ने एसपी आर्थिक अपराध सेल को इस मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मंत्री राजा पटेलिया, आईएएस अफसर आर परशुराम पर एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने कॉलेज प्रबंधन पर लगे जुर्माने की राशि 25 लाख के मुकाबले 5 गुना कम कर दिया था। इसके बाद अदालत ने 2015 की अप्रैल व जुलाई में ईओडब्ल्यूयू से रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, लेकिन वो अभी तक मामले से जुड़ी रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने एसपी आर्थिक अपराध सेल को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के कई आदेश के बाद भी प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आपको आदेशित किया जाता है कि अपराध संख्या 35/11 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय के सामने 11 मार्च तक हर हाल में पेश करें, नहीं तो इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और कानून के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में दिग्विजय सिंह और उनके साथियों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।